पिछले विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस इस बार अलग थलग कर दी गई है। वह सपा जिसने पिछले विधानसभा चुनाव में खुद हाथ बढ़ाकर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, इस बार उसी ने कांग्रेस को किनारे कर दिया। देखना होगा आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कौन मात दे पाता है। भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी है। राष्ट्रीय स्तर पर भी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी है। लोग बीजेपी की नीतियों से परेशान है, चाहे उनकी किसान विरोधी नीति हो या नौजवानों को लेकर हो या मध्यम व्यापारियों को लेकर हो, किसी भी मामले में आज उनके विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, हमारे 10 साल के काम हैं। और जो भी समान विचारधारा के दल हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये प्रयास करती, पहल करती है कि वो साथ आए। ये अब जनता को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है, बाकी लोग जो अलग लड़ रहे हैं, अब उनके बारे में उनका भविष्य क्या होगा ये जनता तय करेगी। कहा जाता है सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ यही किया है। जो समाजवादी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ हाथ बढ़ाकर गठबंधन किया था, उसने इस बार कांग्रेस को किनारे करके बसपा के साथ गठबंधन कर लिया। आगामी लोकसभा चुनाव में देखना होगा कि गठबंधन को या कांग्रेस को किसको बीजेपी से लड़ने में फायदा होता है। लखनऊ से दिलीप शुक्ला, ईटीवी।